हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है रेल परिवहन से और वायु परिवहन से। तो सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आप 9728714677 पे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन टारगेट विद गोस्वामी से जुड़ सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप भी मुझे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, आज का हमारा वीडियो है रेल परिवहन से, हरियाणा में रेल परिवहन से। तो देखिए, गठन के समय प्रदेश में 3245.11 किलोमीटर रेल लाइन थी। तो जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब कितनी थी? लगभग 3245 किलोमीटर। वर्तमान समय में ये 4106 किलोमीटर हो गई है, वो ज्यादा नहीं बढ़ी है, 4106 किलोमीटर। भारत में तीन प्रकार की रेल लाइनें होती हैं। कौन कौन सी हैं? नैरो गेज जो 0.610 मीटर की होती है, मीटर गेज 1.00 मीटर, और ब्रांड गेज है 1.676 मीटर की होती है। तो देखिए, कालका से जो शिमला के मध्य वो कौन सी रेलवे लाइन है? नैरो गेज, जिसको छोटी लाइन बोलते हैं। कालका से शिमला जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें, रेवाड़ी से नारनौल के मध्य मीटर गेज, ये मध्य बीच की होती है, और रेवाड़ी से बीकानेर के मध्य ब्रांड गेज जो बड़ी लाइन होती है, ब्रांड गेज बड़ी लाइन। रेवाड़ी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। कौन सा है? रेवाड़ी। 1873 में ये बना था, सबसे दिल्ली से दिल्ली वाया रेवाड़ी चलाई गई थी। इस पे यमुनानगर के जगाधरी में प्रदेश की एकमात्र रेलवे वर्कशॉप है। जो जगाधरी है यमुनानगर में, वहां एकमात्र रेलवे वर्कशॉप है जहां पे जो रेलवे है शताब्दी एक्सप्रेस, कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत कहां होती है? जगाधरी में की जाती है। अगला है रेवाड़ी से रोहतक के मध्य देश की प्रथम सीएनजी डेमो ट्रेन। तो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में कौन सी सीएनजी ट्रेन का डेमो ट्रायल लिया गया था 2015 में। निजी मेट्रो सेवा क्षेत्र देश में गुड़गांव पहले स्थान पर है, निजी सेवा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर से है ज्यादा। फतेहाबाद मेवात में रेलवे स्टेशन नहीं है, जो मूल स्थान है फतेहाबाद जिला है उसके अंदर और मेवात के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं है, दो ऐसे जिले हैं। गुरुग्राम बहादुरगढ़ फरीदाबाद मेट्रो रेल सेवा है, तो मेट्रो सिटी किसको बोलते हैं? गुड़गांव बहादुरगढ़ फरीदाबाद, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा में कितनी मेट्रो सिटी है, तो आप कितने बताओगे? तीन मेट्रो सिटी हैं। तो रेल परिवहन में इनसे आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वायु परिवहन, तो 5 हवाई अड्डों का वर्णन किया गया है, करनाल में, पिंजौर, हिसार, भिवाणी और नारनौल। और सिरसा में वायुसैनिक हवाई अड्डा है, जींद हवाई अड्डा भी बढ़ने वाला है, प्रस्तावित है। तो सिरसा में है वो कौन सा है? वायुसैनिक है। करनाल, पिंजौर, हिसार, भिवाणी और नारनौल में 5 ये सामान्य तौर पे हैं। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं मुझे कैसी वीडियो लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।